अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम सलीम्स लेक्चर बात करेंगे ब्लास्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन एंड देन एनसीबीआई को काफी डिफाइन किया था, उसके होम पेज को विजिट किया था और उसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस थे, रिसोर्सेज लिस्ट थी, टूल्स थे, उनको डिस्क्राइब किया गया था। इस लेक्चर में बात करना चाहूंगी ब्लास्ट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं ब्लास्ट। ब्लास्ट है क्या? देखिए, जैसे यहाँ शो हो रहा है, ब्लास्ट जो है इसको शॉर्ट के लिए हम यूज करते हैं। किसकी शॉर्ट फॉर्म है ये? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, फॉर शॉर्ट वी से इट ब्लास्ट। हम इस ये जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, अवेलेबल है इजीली। ये आप इसको एनसीपीआई के पेज के थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्टली भी गूगल सर्च इंजन के थ्रू आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। हम इसको यूज करते हैं ब्लास्ट को फाइंड करने के लिए। दो सीक्वेंस हमारे पास अगर मौजूद है, हम उन दोनों में सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो टूल यूज करते हैं वो ब्लास्ट का ऑप्शन, ब्लास्ट का टूल यूज करते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक प्रोटीन है और आपको मालूम है कि वो प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अब वो जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है, ठीक है, आपने क्या किया कि एक और प्रोटीन ली, सपोज कर ले वही प्रोटीन ले ली आपने, उसको अपने रीजन से उसको सिलेक्ट कर लिया एंड देन अब आपने उसके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को निकाल लिया है। आप कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जो प्रोटीन मैंने एक्सट्रैक्ट की है उसमें जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है, क्या यही एग्जैक्ट सीक्वेंस है रियल प्रोटीन से, क्या वही उसमें भी सीक्वेंस पाया जाता है। इस पर्पज के लिए भी यूज करते हैं नॉर्मली साइंटिस्ट, रिसर्चर, स्टूडेंट इसको। और हम समटाइम क्या करते हैं, हम समटाइम जो मेरे पास सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, इससे ज्यादा सिमिलर, इस ये जो सीक्वेंस है इसके करीब करीब सिमिलर सीक्वेंस और किस प्रोटीन में इस तरीके का पाया जाता है, हम उसके लिए भी इसे यूज करते हैं। इसी तरह से, ये तो मैंने प्रोटीन की एग्जांपल दी है, इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। अब यहाँ पे कितने टाइप्स हैं इसकी, क्या है, मैं उसमें आपको समझाती हूँ भी। जो ब्लास्ट है इसकी खुद से एक टूल है जैसे कि आपको भी बताया, बट इसकी काफी टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है और ये प्रोटीन ब्लास्ट है जिसको मैंने अभी डिफाइन किया है। यहाँ पे ब्लास्ट एक्स है और यहाँ टी ब्लास्ट एन है। तो दो या दो से ज्यादा जो हमारे पास बायोलॉजिकल सीक्वेंस हो, और वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन सा है, वो कोई भी प्रोटीन है, तो हमने उनके सीक्वेंस को, उनकी सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए प्रोटीन ब्लास्ट ऑप्शन को अवेल करना है। इन केस आई हैव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ना, अब मेरे पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, कोई भी एक स्पीशी है, कोई भी मुझे डीएनए मॉलिक्यूल कोई मिल गया है और मैं उस पर काम कर रही हूँ या कोई साइंटिस्ट उस पर काम कर रहा है, तो वो उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को चेक करने के लिए, सिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी, ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए अब जो ऑप्शन हम अवेल करेंगे वो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करेंगे। यहाँ पे दो चीजें आपको दिखाई दे रहे होंगे, न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड, यहाँ प्रोटीन टू प्रोटीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इनपुट हम करते हैं, वैल्यूज एड जो करते हैं, जो रीडिंग्स हम डालते हैं, सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन जो हम डिटेल जो देते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में देते हैं और रिजल्ट्स भी न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में ही हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। जबकि इन केस ऑफ प्रोटीन ब्लास्ट हमारे पास यहाँ तो न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा ना, इसकी लैंग्वेज ये तो नहीं है, इसके पास तो अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पे उस प्रोटीन की फॉर्म में ही, यानी अमाइनो एसिड के फॉर्म में ही हमने सीक्वेंस ही वो पुट करने एंड देन उसका जो आउटपुट आएगा, इनपुट भी वही करना और आउटपुट भी प्रोटीन फॉर्म में ही आएगा। जबकि यहाँ जो ब्लास्ट एक्स और टी ब्लास्ट एन है, इसका मतलब ये है कि हम जो इनपुट देते हैं वो ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में देते हैं और जो आउटपुट हमें, जो रिजल्ट्स मिलते हैं, वो प्रोटीन की लैंग्वेज में मिलते हैं। और यहाँ हम प्रोटीन की फॉर्म में इनपुट जो कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज में, वो किस फॉर्म में, प्रोटीन में, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, वो ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में मिल रहा है। बेस्ट ऑप्शन है साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर के लिए और डिफरेंट स्टूडेंट जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस वक्त स्टडीज कर रहे हैं और रिसर्च के कुछ काम कर रहे हैं, थीसिस वगैरह कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट और प्रोटीन ब्लास्ट को अवेल करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूंगी, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मैंने वहां एक एग्जाम्पल यूज की थी इसकी। इस ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पे P53 जीन मैंने बताया था और यहाँ पे सपोज कर लीजिए आप किसी भी सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं,
डीएनए मॉलिक्यूल आपके पास, मैसेंजर आरएनए, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मॉलिक्यूलर साइड से, जेनेटिक साइड से बिलोंग करती है, आपने उस मॉलिक्यूल को ले लेना है, उसका एक्सेशन नंबर, या आप डायरेक्टली उसको नाम से सर्च कर लें जो मैंने पिछले लेक्चर्स में डिफाइन किया है. आपने उसके सब डेटाबेस जो सिलेक्ट करना है वो न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट करना है, एंड देन जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट आ गया, जिस तरीके से मैंने ये पहले से अपना होमवर्क किया हुआ है टाइम को सेव करने के लिए. क्या करना है हमने, जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी, ये जेनबैंक पूरा पेज ओपन हो चुका है और हमने अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फास्ट ए. फास्ट ए का मतलब होता है, फास्ट मीन्स बहुत तेजी के साथ, ए ऑल को रिप्रेजेंट करता है और ऑल मीन्स टॉकिंग अबाउट प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो दोनों चीजों को ये कवर कर रहा होता है. कुछ लोग इसको फास्टा कहते हैं और कुछ लोग इसे फास्ट ए कहते हैं, एंड द राइट इज फास्ट ए. फास्ट ए पे हमने क्लिक करना है. क्यों करना है क्लिक, देखें अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दोबारा बताऊं, सपोज करिए कि मैं न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट के पेज को ओपन करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं. ब्लास्ट एन, एन मीन्स न्यूक्लियोटाइड, और ये जो मैंने प्रोटीन वगैरह बताई है वहां पे वो उसके टैब है. तो मैंने क्योंकि डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को ही ओपन किया है तो यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है. ये एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे हमने एक्सेशन नंबर डालना होता है या सीक्वेंस ऑफ रेलेवेंट न्यूक्लियोटाइड हमने यहाँ पे ऐड करने, पेस्ट करने. जो सीक्वेंस हमने पेस्ट करने हैं यहाँ पे, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो फास्ट ए फॉर्म में हो. ठीक है, तो अब हम ये सीक्वेंस कहाँ से गेट कर सकते हैं, एनसीबीआई से भी कर सकते हैं, यूनिप्रॉट से भी कर सकते हैं, अदर टूल्स इसके लिए हैं. समटाइम कुछ लोगों ने क्या किया हुआ होता है, सिस्टम में उन सीक्वेंस को सेव करके रखा हुआ होता है, तो हम अपने सिस्टम से भी फाइल को चूज कर सकते हैं. हम किस तरीके से पिक करेंगे, इस वेबसाइट पे मैं गई और यहाँ से मैंने जेन बैंक, ये ओपन है, सीक्वेंस यहाँ मौजूद है, ये रहा. लेकिन यहाँ से अगर मैं सीक्वेंस उठाऊंगी तो यहाँ इसके साथ नंबरिंग भी हुई हुई है, एंड देन यहाँ पे आपको स्पेस भी दिखाई दे रहा है. हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसने इसको रीड करना है, एंड देन रीड करके सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज ये सारी चीजें हमें बतानी है, जो कि ये फॉर्म हरगिज फुलफिल नहीं है. तो करना क्या होता है, हमने अब सीक्वेंस तो यहीं से कॉपी करना है. हम फास्ट ए के ऑप्शन पे जाते हैं, फास्ट ए के ऑप्शन पे जाके हमारे पास ये फॉर्म आ गई है, वही जो अभी मैंने प्रीवियस पेज पे आपको दिखाए थे, ये वही सीक्वेंस है, बट यहाँ पे उनके स्पेस, उनके गैप और जो नंबरिंग थी उसको खत्म कर दिया गया है. तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है, आप ये ग्रेटर देन के साइन से मत कॉपी करिएगा, हमने यहाँ से इसे कॉपी करना है, एंड देन कॉपी करके कंट्रोल सी कॉपी किया. अब मैं वापस उसी पेज पे जाऊंगी और यहाँ पे मैंने इस फास्टर सीक्वेंस पे कॉपी कंट्रोल करके वी कर दिया, पेस्ट कर दिया है. जैसे ही मैं इसे पेस्ट करूंगी, अब हम आगे मूव करेंगे. आप कोई भी जॉब टाइटल, जो भी आप जिस पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए. मैंने पहले कुछ थोड़ा काम किया हुआ है तो यहाँ पे उसके ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, तो आप यहाँ पे टाइटल लिख दीजिए, जैसे P53 मैंने लिख दिया है सपोज कर लें. आपको पता होगा यहाँ करना क्या है, क्योंकि टाइटल आपने खुद डिसाइड करना होता है. फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है चूज सर्च सेट. स्टैंडर्ड डेटाबेस, ये न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी चेक लगा हुआ है इस पे, ये डिफॉल्ट सेटिंग है. अगर आपने आरएनए पिक किया है तो यहाँ पे आपने फिर इसको करना होगा. अगर आप जीनोम पे पूरे काम कर रहे हैं तो फिर आप इस ऑप्शन पे चेक लगाएंगे. बीटा कोरोना वायरस हम क्योंकि वहाँ काम नहीं कर रहे, तो हमने डिफॉल्ट सेटिंग को ही रहने देना एज इट इज, और स्टैंडर्ड डेटाबेस के साथ ही हम मूव ऑन करेंगे. फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन है, तीन ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होते हैं. मुझे जो यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग में चेक लगा हुआ है, जो हम आपको दिखाई दे रहा है हाईली सिमिलर सीक्वेंस, इसको हम मेगा ब्लास्ट भी कहते हैं. मतलब ये जो मैंने अभी सीक्वेंस यहाँ पे डाला है न्यूक्लियोटाइड का, ये मेरे पास सीक्वेंस है. ठीक है, मैं ये चेक करना चाह रही हूँ, गौर से सुनिएगा. मैं जो सीक्वेंस मैंने अभी पेस्ट किया है न्यूक्लियोटाइड का, मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि जो सीक्वेंस मैंने यहाँ इनपुट किया है ये किस स्पीशी का है, या किससे मैक्सिमम ये हाईली सिमिलर है. मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे वो नॉलेज गेन करनी है.
या मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि मुझे इसका बिल्कुल डिससिमिलर चाहिए, इस सीक्वेंस के अपोजिट या डिससिमिलैरिटीज किस सीक्वेंस में है, तो इसको हम डिसकंटिन्यूअस मेगा ब्लास्ट भी कहते हैं ना। या समटाइम मुझे मुझे कंफ्यूजन है कि सिमिलर या डिसिमिलर को लेके, तो मैं कह दूंगी समवॉट सिमिलर सीक्वेंस, तो इसको ब्लास्ट एंड कहते हैं। राइट नाउ मैं सिमिलर पे काम कर रही हूँ, तो आप समझाने के लिए एक एग्जाम्पल से, तो आप डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही चले। नॉर्मली स्टूडेंट्स को ऐसे ही करवाया जाता है। हमने क्या करना है, क्योंकि ये बहुत लेट होता है, तो यहाँ पे हमने चेक लगा देना है शो रिजल्ट्स इन अ न्यू विंडो, एंड देन क्लिक कर देना है ब्लास्ट के ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आपके सामने एक फाइल नहीं, एक टैब नहीं ओपन हो जाएगी। टाइम यहाँ पे लिखा होगा कि ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा विद इन 2 सेकंड्स। टाइम थोड़ा सा लेता ही, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, जैसे कि आपने यहाँ देख लिया है कि रिजल्ट्स आपके सामने आ गए हैं। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे मैंने जॉब टाइटल P53 डाल दिया था, यहाँ पे टाइटल आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे जो टाइप थी, जो मॉलिक्यूल मैंने यूज किया था वो DNA था, अब यहाँ इन्होंने शो कर दिया है। एक क्यूरी आईडी, जो मेरा एक मसला था, मेरा सवाल था, मेरी प्रॉब्लम जो थी, उन्होंने इसको एक आईडी दे दी है 2617, ये क्यूरी आईडी हो गई है। और इसकी जितनी भी लेंथ थी वो है 2342। यहाँ पे आपको जो जहाँ से मैंने इस सीक्वेंस को उठाया था, ये वहां पे भी मेंशन होगी, ठीक है, वहां पे भी ये रिपोर्ट कर दी जाती है। अब ये आपके सामने रिजल्ट यहाँ मौजूद है, जो इसका रिजल्ट है, इसको इंटरप्रेट करने के लिए मैं एक और लेक्चर अपलोड, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल हो जाएगा, आप वहां से इसको देखेंगे। ये लेक्चर लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं इस चीज का ख्याल कर रही हूँ। जो बिगनर है, जो लर्नर है, उनको न्यू जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, उनके लिए आसानी होगी। हर स्टेप को आप यहाँ से वीडियो देख कर स्टेप बाय स्टेप आप खुद परफॉर्म करते चले जाएंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। 4 टाइप्स है यहाँ पे, ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये इसके रिजल्ट्स हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन है, फिर इसकी ग्राफिक समरी है, फिर उसके बाद इसका अलाइनमेंट है, एंड देन इसकी टैक्सोनॉमी है, इसको हम रीड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया, और कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर।